दोस्तों, आज हम सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी रामलीला। इधर एक मुद्दत से रामलीला देखने नहीं गया। बंदरों के भद्दे चेहरे लगाए, आधी टांगों का पाजामा और काले रंग का कुर्ता पहने आदमियों को दौड़ते हू हू करते देखकर अब हंसी आती है, मजा नहीं आता। काशी की लीला जगत विख्यात है, सुना है लोग दूर दूर से देखने आते हैं। मैं भी बड़े शौक से गया, पर मुझे तो वहाँ की लीला और किसी वज्र देहात की लीला में कोई अंतर न दिखाई दिया। हाँ, रामनगर की लीला में कुछ साज समाज अच्छे हैं। राक्षसों और बंदरों के चेहरे पीतल के हैं, गदाएं भी पीतल की, कदाचित बनवासी भ्राताओं के मुकुट सच्चे काम के हों, लेकिन साज समाज के सिवा वहाँ भी वही हू हू के सिवा और कुछ नहीं। फिर भी लाखों आदमियों को भीड़ लगी रहती है। लेकिन एक जमाना वह था जब मुझे भी रामलीला में आनंद आता था। आनंद तो बहुत हल्का सा शब्द है, वो आनंद उन्माद से कम ना था। संयोगवश उन दिनों मेरे घर से बहुत थोड़ी दूर पर रामलीला का मैदान था और जिस घर में लीला पात्रों का रूप रंग भरा जाता था वह मेरे घर से बिल्कुल मिला हुआ था। 2 बजे दिन से पात्रों की सजावट होने लगती थी। मैं दोपहर ही से वहां जा बैठता और जिस उत्साह से दौड़ दौड़ कर मोटे मोटे काम करता, उस उत्साह से तो आज अपनी पेंशन भी लेने नहीं जाता। एक कोठरी में राजकुमारों का श्रृंगार होता था, उनकी देह में रामरज पीसकर पोती जाती, मुंह पर पाउडर लगाया जाता और पाउडर के ऊपर लाल हरे नीले रंग की बुंदकियां लगाई जाती थी। सारा माथा भौहें गल थोड़ी बुंदकियों से रच उठती थी। एक ही आदमी इस काम में कुशल था, वही बारी बारी से तीनों पात्रों का श्रृंगार करता था। रंग को प्यालियों में पानी लाना, रामरज पीसना, पंखा झलना मेरा काम था। जब इन तैयारियों के बाद विमान निकलता तो उस पर रामचंद्र जी के पीछे बैठकर मुझे जो उल्लास, जो गर्व, जो रोमांच होता था, वो अब लात साहब के दरबार में कुर्सी पर बैठकर भी नहीं होता। एक बार जब होम मेंबर साहब ने व्यवस्थापक सभा में मेरे एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया था, उस वक्त मुझे कुछ उसी तरह का उल्लास, गर्व और रोमांच हुआ था। हाँ, एक बार जब मेरा ज्येष्ठ पुत्र नायब तहसीलदारी में नामजद हुआ, तब भी कुछ ऐसी ही तरंगे मन में उठी थी, पर इनमें और बाल विवलता में बड़ा अंतर है। तब तो ऐसा मालूम होता था कि मैं स्वर्ग में बैठा हूँ। निषाद नौक लीला का दिन था, मैं 2-4 लड़कों के बहकाने में आकर गुल्ली डंडा खेलने लगा था। आज श्रृंगार देखने न गया, विमान भी निकला, पर मैंने खेलना न छोड़ा। मुझे अपना दांव लेना था, अपना दांव छोड़ने के लिए उससे कहीं बढ़कर आत्मत्याग की जरूरत थी, जितना मैं कर सकता था। अगर दांव देना होता तो मैं कब का भाग खड़ा होता, लेकिन पदाने में कुछ और ही बात होती है। खैर, दांव पूरा हुआ। अगर मैं चाहता तो धांधली करके 10-5 मिनट और पदा सकता था, इसकी काफी गुंजाइश थी, लेकिन अब इसका मौका ना था। मैं सीधे नाले की तरफ दौड़ा, विमान जल तट पर पहुंच चुका था। मैंने दूर से देखा, मल्लाह किश्ती लिए आ रहा है। दौड़ा, लेकिन आदमियों को भीड़ में दौड़ना कठिन था। आखिर जब मैं भीड़ हटाता, प्राणपण से आगे बढ़ता घाट पर पहुंचा, तो निषाद अपनी नौक खोल चुका था। रामचंद्र पर मेरी कितनी श्रद्धा थी, मैं अपने पाठ की चिंता न करके उन्हें पढ़ा दिया करता था, जिसमें वह फेल न हो जाए। मुझमें उम्र ज्यादा होने पर भी वह नीची कक्षा में पढ़ते थे, लेकिन वही रामचंद्र नौक पर बैठे इस तरह मुंह फेरे चले जाते थे मानो मुझसे जान पहचान ही नहीं। नकल में भी असल की कुछ न कुछ बुआ ही जाती है। भक्तों पर जिनकी निगाह सदा ही तीखी रही है, वो मुझे क्या उबारते। मैं विकल होकर उस बछड़े की भांति कूदने लगा जिसकी गर्दन पर पहली बार जुआ रखा गया हो। कभी लपक कर नाले की ओर जाता, कभी किसी सहायक की खोज में पीछे की तरफ दौड़ता, पर सबके सब अपनी धुन में मस्त थे। मेरी चीख पुकार किसी के कानों तक न पहुंची। तब से बड़ी बड़ी विपत्तियां झेली, पर उस समय जितना डैक हुआ उतना फिर कभी न हुआ। मैंने निश्चय किया था कि अब रामचंद्र से कभी न बोलूंगा, न कभी खाने की कोई चीज ही दूंगा,
लेकिन ज्यों ही नाले को पार करके वह पुल की ओर से लौटे, मैं दौड़कर विमान पर चढ़ गया और ऐसा खुश हुआ मानो कोई बात ही न हुई थी। रामलीला समाप्त हो गई थी, राजगद्दी होने वाली थी, पर न जाने क्यों देर हो रही थी। शायद चंदा कम वसूल हुआ था। रामचंद्र की इन दिनों कोई बात भी न पूछता था, न तो घर जाने की छुट्टी मिलती थी, न भोजन का प्रबंध ही होता था। चौधरी साहब के यहाँ से एक सीधा कोई 3 बजे दिन को मिलता था, बाकी सारे दिन कोई पानी को भी न पूछता। लेकिन मेरी श्रद्धा अभी तक ज्यों की त्यों थी, मेरी दृष्टि में वह अब भी रामचंद्र ही थे। घर पर मुझे खाने की जो चीज मिलती वह लेकर रामचंद्र को दे पाता, उन्हें खिलाने में मुझे जितना आनंद मिलता था उतना खा जाने में कभी न मिलता। कोई मिठाई या फल पाते ही मैं बेतहाशा चौपाल की ओर दौड़ता। अगर रामचंद्र वहां न मिलते तो उन्हें चारों ओर तलाश करता, और जब तक वह चीज उन्हें न खिला लेता मुझे चैन न आता था। खैर, राजगद्दी का दिन आया। रामलीला के मैदान में एक बड़ा सा शामियाना ताना गया, उसकी खूब सजावट की गई, वेश्याओं के दल भी आ पहुंचे। शाम को रामचंद्र की सवारी निकली और प्रत्येक द्वार पर उनकी आरती उतारी गई। श्रद्धानुसार किसी ने रुपये दिए, किसी ने पैसे। मेरे पिता पुलिस के आदमी थे, इसलिए उन्होंने बिना कुछ दिए ही आरती उतारी। इस वक्त मुझे जितनी लज्जा आई उसे बयान नहीं कर सकता। मेरे पास उस वक्त संयोग से 1 रुपया था। मेरे मामा जी दशहरे के पहले आए थे और मुझे 1 रुपया दे गए थे। उस रुपये को मैंने रख छोड़ा था, दशहरे के दिन भी उसे खर्च न कर सका। मैंने तुरंत वह रुपया लाकर आरती की थाली में डाल दिया। पिताजी मेरी ओर कुपित नेत्रों से देखकर रह गए। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मुंह ऐसा बना लिया जिससे प्रकट होता था कि मेरी इस दृष्टता से उनके रोब में बट्टा लग गया। रात के 10 बजते-बजते यह परिक्रमा पूरी हुई। आरती की थाली रुपयों और पैसों से भरी हुई थी। ठीक तो नहीं कह सकता, मगर अब ऐसा अनुमान होता है कि 400-500 रुपयों से कम न थे। चौधरी साहब इनसे कुछ ज्यादा ही खर्च कर चुके थे। उन्हें इसकी बड़ी फिक्र हुई कि किसी तरह कम से कम 200 और वसूल हो जाए। और इसकी सबसे अच्छी तरकीब उन्हें यही मालूम हुई कि वेश्याओं द्वारा महफिल में वसूल हो। जब लोग आकर बैठ जाएं और महफिल का रंग जम जाए, तो आपदी जान रसिक जनों की कलाइयां पकड़ पकड़ कर ऐसे हाव भाव दिखावे कि लोग शर्माते शर्माते भी कुछ ना कुछ दे ही मरे। आपदी जान और चौधरी साहब में सलाह होने लगी। मैं संयोग से उन दोनों प्राणियों की बातें सुन रहा था। चौधरी साहब ने समझा होगा यह लौंडा क्या मतलब समझेगा, पर यहाँ ईश्वर की दया से अकल के पुतले थे। सारी दास्तान समझ में आती जाती थी। चौधरी, सुनो आबदी जान, यह तुम्हारी जाति है, हमारा और तुम्हारा कोई पहला साबका तो है नहीं। ईश्वर ने चाहा तो यहाँ हमेशा तुम्हारा आना जाना लगा रहेगा। अब की चंदा बहुत कमाया, नहीं तो मैं तुमसे इतना इसरार ना करता। आबदी, आप मुझसे जमींदारी चाले चलते हैं क्यों? मगर यहाँ हुजूर की दाल ना गलेगी। वाह, रुपये तो मैं वसूल करूँ और मूंछों पर ताव आप दें। कमाई का यह अच्छा ढंग निकाला है, इस कमाई से तो वाकई आप थोड़े दिनों में राजा हो जाएंगे। उसके सामने जमींदारी झक मारेगी, बस कल ही में एक चकला खोल दीजिए, खुदा की कसम माला माल हो जाएगा। चौधरी, तुम तो दिल लगी करती हो और यहाँ काफिया तंग हो रहा है। आबदी, तो आप भी तो मुझी से उस्तादी करते हैं, यहाँ आप जैसे कईयों को रोज उंगलियों पर नचाती हूँ। चौधरी, आखिर तुम्हारी मशा क्या है? आबदी, जो कुछ वसूल करूँ उसमें आधा मेरा और आधा आपका, लाए हाथ मारिए। चौधरी, यही सही। आबदी, अच्छा तो पहले मेरे 100 रुपये गिन दीजिए, पीछे से आप अलसेट करने लगेंगे। चौधरी, वाह, वह भी लोगी और यह भी। आबदी, अच्छा तो क्या आप समझते थे कि अपनी उजरत छोड़ दूंगी? वाहरी, आपको समझ खूब, क्यों ना हो, दीवाना बकारे दरवेश होशियार। चौधरी, तो क्या तुमने दोहरी फीस लेने की ठानी है?
आप दी, अगर आपको 100 दफे गरज हो तो, वरना मेरे 100 रुपये तो कहीं गए ही नहीं। मुझे क्या कुत्ते ने काटा है, जो लोगों की जेब में हाथ डालती फिरूं। चौधरी की एक न चली, आबदी के सामने दबना पड़ा। नाच शुरू हुआ। आबदी जान बला की शोक औरत थी। एक तो कमसिन उस पर हसीन, और उसकी अदाएं तो गजब की थी कि मेरी तबीयत भी मस्त हुई जाती थी। आदमियों को पहचानने का गुण भी उसमें कुछ कम ना था। जिसके सामने बैठ गई, उससे कुछ न कुछ ले ही लिया। 5 रुपये से कम तो शायद ही किसी ने दिए हों। पिताजी के सामने भी वह जा बैठी। मैं तो मारे शर्म के गड़ गया। जब उसने उनकी कलाई पकड़ी, तब तो मैं सहम उठा। मुझे यकीन था कि पिताजी उसका हाथ झटक देंगे और शायद दुत्कार भी दें, किंतु यह क्या हो रहा है? ईश्वर, मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं? पिताजी मूंछों में हंस रहे हैं। ऐसी मृदु हंसी उनके चेहरे पर मैंने कभी नहीं देखी थी। उनकी आंखों से अनुराग टपका पड़ता था। उनका एक एक रोम पुलकित हो रहा था, मगर ईश्वर ने मेरी लाज रख ली। वह देखो, उन्होंने धीरे से आबदी के कोमल हाथों से अपनी कलाई छुड़ा ली। अरे, यह फिर क्या हुआ? आबदी तो उनके गले में बाहें डाले देती है। अब की पिताजी जरूर उसे पीटेंगे। चुड़ैल को जरा भी शर्म नहीं। एक महाशय ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ तुम्हारी दाल ना गलेगी आबदी जान, और दरवाजा देखो। बात तो इन महाशय ने मेरे मन की कही और बहुत ही उचित कही, लेकिन न जाने क्यों पिताजी ने उनकी ओर कुपित नेत्रों से देखा और मुंछों पर ताव दिया। मुंह से तो कुछ न बोले, पर उनके मुख की आकृति चिल्लाकर सरोष शब्दों में कह रही थी, तू बनिया मुझे समझता क्या है? यहाँ ऐसे अवसर पर जान तक निसार करने को तैयार हैं? रुपये की हकीकत ही क्या? तेरा जी चाहे आजमा ले, तुझसे दूनी रकम न दे डाले तो मुंह न दिखाऊं। महान आश्चर्य, घोर अनर्थ। अरे जमीन, तू फट क्यों नहीं जाती? आकाश, तू फट क्यों नहीं पड़ता? अरे, मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? पिताजी जेब में हाथ डाल रहे हैं। वो कोई चीज निकाली और सेठ जी को दिखाकर आबदी जान को दे डाली। आह, यह तो अशर्फी है। चारों ओर तालियां बजने लगी। सेठ जी उल्लू बन गए। पिताजी ने मुंह की खाई, इसका निश्चय मैं नहीं कर सकता। मैंने केवल इतना देखा कि पिताजी ने एक अशर्फी निकालकर आबदी जान को दी। उनकी आंखों में इस समय इतना गर्वयुक्त उल्लास था, मानो उन्होंने हातिम की कब्र पर लात मारी हो। यही पिताजी तो हैं, जिन्होंने मुझे आरती में 1 रुपया डालते देखकर मेरी ओर इस तरह देखा था, मानो मुझे फाड़ ही खाएंगे। मेरे उस परमोचित व्यवहार से उनके रोब में फर्क आता था और इस समय इस घृणित, कुत्सित, निंदित व्यापार पर वह गर्व और आनंद से फूले न समाते थे। आबदी जान ने एक मनोहर मुस्कान के साथ पिताजी को सलाम किया और आगे बढ़ी, मगर मुझसे वहां न बैठा गया। मारे शर्म के मेरा मस्तक झुका जाता था। अगर मेरी आंखों देखी बात न होती तो मुझे इस पर कभी एतबार न होता। मैं बाहर जो कुछ देखता सुनता था उसकी रिपोर्ट अम्मा से जरूर करता था, पर इस मामले को मैंने उनसे छिपा रखा। मैं जानता था उन्हें यह बात सुनकर बड़ा डैक होगा। रात भर गाना होता रहा। तबले की धमक मेरे कानों में आ रही थी। जी चाहता था चलकर देखे, पर साहस न होता था। मैं किसी को मुंह कैसे दिखाऊंगा? कहीं किसी ने पिताजी का जिक्र छेड़ दिया तो मैं क्या करूंगा? प्रातःकाल रामचंद्र की विदाई होने वाली थी। मैं चारपाई से उठते ही आंखें मलता हुआ चौपाल की ओर भागा। डर रह था कि कहीं रामचंद्र चले न गए हों। पहुंचा तो देखा, तवायफों की सवारियां जाने को तैयार हैं। 20 आदमी हसरत से नाक मुंह बनाए उन्हें घेरे खड़े हैं। मैंने उनकी ओर आंख न उठाई, सीधा रामचंद्र के पास पहुंचा। लक्ष्मण और सीता बैठे रो रहे थे और रामचंद्र खड़े कंधे पर लुटिया डोर डाले उन्हें समझा रहे थे। मेरे सिवा वहां कोई न था। मैंने कुंठित स्वर में रामचंद्र से पूछा, क्या तुम्हारी विदाई हो गई? रामचंद्र, हाँ हो तो गई। हमारी विदाई ही क्या, चौधरी साहब ने कह दिया, जाओ चले जाते हैं। क्या रुपये और कपड़े नहीं मिले?
अभी नहीं मिले। चौधरी साहब कहते हैं इस वक्त बचत में रुपये नहीं है, फिर पाकर ले जाना। कुछ नहीं मिला, एक पैसा भी नहीं। कहते हैं कुछ बचत नहीं हुई। मैंने सोचा था कुछ रुपये मिल जाएंगे तो पढ़ने की किताबें ले लूंगा, सो कुछ न मिला। राह खर्च भी नहीं दिया। कहते हैं कौन दूर है, पैदल चले जाओ। मुझे ऐसा क्रोध आया कि चलकर चौधरी को खून आड़े हाथों लू। वेश्याओं के लिए रुपये, सवारियां, सब कुछ, पर बेचारे रामचंद्र और उनके साथियों के लिए कुछ भी नहीं। जिन लोगों ने रात को आपदी जान पर 10-10, 20-20 रुपये न्योछाय किए थे, उनके पास क्या इनके लिए 2-2, 4-4 आने पैसे भी नहीं हैं। पिताजी ने भी तो आपदी जान को एक अशर्फी दी, देखूं इनके नाम पर क्या देते हैं। मैं दौड़ा हुआ पिताजी के पास गया। वो कहीं तफतीश पर जाने को तैयार खड़े थे। मुझे देखकर बोले, कहाँ घूम रहे हो, पढ़ने के वक्त तुम्हें घूमने की सूझती है। मैंने कहा, गया था चौपाल, रामचंद्र विदा हो रहे हैं, उन्हें चौधरी साहब ने कुछ नहीं दिया, तो तुम्हें इसकी क्या फिक्र पड़ी है। वह जाएंगे कैसे, पास राह खर्च भी तो नहीं है, क्या कुछ खर्च भी नहीं दिया। यह चौधरी साहब की बेइंसाफी है। आप अगर 2 रुपया दे दे तो मैं उन्हें दे आऊं। इतने में शायद वह घर पहुंच जाए। पिताजी ने तीव्र दृष्टि से देखकर कहा, जाओ अपनी किताब देखो, मेरे पास रुपये नहीं हैं। यह कहकर घोड़े पर सवार हो गए। उसी दिन पिताजी पर से मेरी श्रद्धा उठ गई। मैंने फिर कभी उनकी डांट डपट की परवाह नहीं की। मेरा दिल कहता, आपको मुझे उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे उनको सूरत से चिढ़ हो गई। वह जो कहते मैं ठीक उसका उल्टा करता। यद्यपि इससे मेरी ही हानि हुई, लेकिन मेरा अंतःकरण उस समय विप्लवकारी विचारों से भरा हुआ था। मेरे पास 2 आने पैसे पड़े हुए थे। मैंने पैसे उठा लिए और जाकर शर्माते शर्माते रामचंद्र को दे दिए। उन पैसों को देखकर रामचंद्र को जितना हर्ष हुआ, वह मेरे लिए आशातीत था। टूट पड़े मानो प्यासे को पानी मिल गया। वह 2 आने पैसे लेकर तीनों मूर्तियां विदा हुई। केवल मैं ही उनके साथ कस्बे के बाहर पहुंचाने आया। उन्हें विदा करके लौटा तो मेरी आंखें सजल थी, पर हृदय आनंद से उमड़ा हुआ था।